फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आमरण अनशन पर बैठे छोटे सिंह। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की किसान महापंचायत एवं धरना दिनांक 26 फरवरी 2024 से निरंतर चल रहा है। आज धरने का 8वां दिन है। विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से किसानों की वार्ता कराने हेतु 3 दिन का समय दिया गया था, किंतु अभी तक कोई भी विधायक की तरफ से संकेत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आज 8वें दिन धरना आमरण अनशन में बदल गया है। आज से आमरण अनशन जारी, जल्द ही दिखाया जाएगा शक्ति प्रदर्शन। आज आमरण अनशन पर छोटे सिंह पुत्र मुलायम सिंह निवासी हरिहरपुर उम्र लगभग 70 वर्ष बैठे हुए हैं। साथ में जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोमवंशी, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित और बबलू सहित कई अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न गांव से आए मौजूद कृषक मौजूद हैं। हाँ दादा, आप आपका नाम क्या है? हमारा नाम छोटे सिंह। आप किस लिए धरना पे बैठे हुए हैं, क्या परेशानी है आपको? हमको परेशानी ये है कि हमारा जो बांध नहीं बनता है, मेरी फसल जो सब नष्ट हो जाती है, कि हम कि भीख मांगने काबिल हो जाते हैं। हम दूसरे पर कर्जा नहीं के खेती बहुत अब ओरे भी पड़ गए, हम बिल्कुल नष्ट नाबूद हो गए। और रो बची फसल है वो जो गैया है, गैयान की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, गैया छुटा खा रही, लाखों गाय छुटी घूम रही। सरकार से कहते, सरकार कहती हम क्या। तो आपने भूख हड़ताल करके धरना पे बैठे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद जो है कि अपने प्राण दे दे, न रहेंगे, न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी, सरकार अपनी मनमानी खूब चला। जिला प्रशासन से आपने कभी गए, आपके अपनी शिकायत बताई आपकी? जिला प्रशासन के यहाँ जाते वही बातें हमको पढ़ा देते, बिगड़ पढ़े लिखे आदमी के बोर्ड जाइए घुसने नहीं देते, बिगड़ पढ़े लिखे आदमी अंगूठा छाप। नेता लोग कह देते कि वो तो चिप्स बनती है अहमदाबाद के अलवन की, यहाँ के अलवन की चिप्स नहीं बनती, वो तो उनके अहमदाबाद से आई जाती। अब किसान आदमी कहाँ से लाभ है जाए, क्या अहमदाबाद तक 1000 रुपया तो किराए के एक गाड़ी। तो आप भूख हड़ताल कब तक रखेंगे? आज देखते हैं, 1-2-3 दिन, 4-5 दिन जय श्री राम कर जाएंगे, जय श्री राम कतई करके जाएंगे। और पर्चा लिख के धर लिया है, सरकार प्रत प्राण जाए रहे।